हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.6 का, और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर आप ए को जीरो कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी नहीं। मे बी थ्री टाइम्स ऑफ द अदर। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मे बी टू टाइम्स ऑफ द अदर है, मे बी स्क्वायर रूट ऑफ द अदर्स है, ठीक है। तो सब में मेथड सेम इस्तेमाल होता है। स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे कि पावर 1/2 ले लेंगे, अगर आपके पास थ्री टाइम्स है तो दूसरे का थ्री टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास है। अब सोल्यूशन हम उसको कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जो है अल्फा बीटा ये आपके इलेट से अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अब चूंकि ये लिखा हुआ है कि लेट से अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी थ्री टाइम्स ऑफ द अदर हो जाएगा, तो बीटा यानी अल्फा, या उसको आप बीटा ले लीजिएगा, चले अल्फा को अपनी जगह पे, बीटा हमारे पास हो जाएगा थ्री अल्फा के बराबर हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू थ्री अल्फा, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो एक रूट है वो दूसरे का थ्री टाइम्स है, तो हम बीटा को थ्री अल्फा के बराबर ले लेते हैं। तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है सम के अंदर, जो कि हमारे पास यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, वो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री अल्फा लगाइएगा, जो कंडीशन गिवन है थ्री अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से अल्फा प्लस अल्फा थ्री अल्फा, तो फोर अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अल्फा इज, अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन फोर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको अल्फा स्क्वायर कर दें, अल्फा स्क्वायर कर देते हैं, तो ये माइनस बी अपॉन फोर ए होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और फोर का स्क्वायर 16 और ए स्क्वायर हो जाएगी। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमारे पास अल्फा स्क्वायर की आ गई। दूसरा हमारे पास अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, वो सी अपॉन ए आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू थ्री अल्फा है इज इक्वल टू सी, तो ये थ्री अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन थ्री ए हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी इस तरह से। तो ये इन दोनों को, इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को हम कंपेयर कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा बी सी अपॉन थ्री ए, थ्री ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसमें से हम ये कर सकते हैं कि जो ए है और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सी अपॉन थ्री इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16 ए हमारे पास आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन 16 ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 16 3 b² हो जाएगा, 3b² इज इक्वल टू 16 ac, ठीक है।
इस तरीके से हमारे पास ये जो कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन आ जाएगी। आप मजीद इसके अंदर भी कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 AC, लेकिन भाई ये काफ़ी है। तो इज द कंडीशन फॉर ये जो लिखा हुआ है कि कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस वन मे बी 3 टाइम्स ऑफ द अदर है, कंडीशन फॉर वन रूट टू बी 3 टाइम्स ऑफ द अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने पहले बताया इसमें से 3 टाइम्स आ सकता है, 2 टाइम्स आ सकता है, स्क्वायर रूट आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं उसमें से।